आप सभी देख रहे हो कि सहारनपुर से जगह जगह से क्षत्रिय समाज को सपोर्ट आ रही है हमारे मुस्लिम राजपूत भाइयों की। तो भाई हमारा फुल सपोर्ट है भाई, वो सारे समाज को हम भी थारे साथ कंधे तक कंधा मिला के चल रहे हैं। हिंदू मुस्लिम राजपूत एकता जिंदाबाद। सहारनपुर के जो मुस्लिम राजपूत समाज है वो भी अपने समाज की लड़ाई में अपने साथ हैं और ये हमारे भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी भाई, मेरा नाम राहुल खलान है, मैं मुस्लिम राजपूत हूँ। क्षत्रिय समाज को सपोर्ट आ रही है हमारे मुस्लिम राजपूत भाइयों की, लेकिन मुझे बहुत पीड़ा होती है। मैं भी क्षत्रिय हूँ लेकिन मैं दूसरी जो हिंदू जाति से पहले अपने मुस्लिम राजपूत भाइयों को अपना सगा खून मानता हूँ। उसके बाद हिंदू या मुस्लिम में चुनना हो तो वो मैं हिंदू को भी चुन सकता हूँ, मुस्लिम को भी चुन सकता हूँ, सिख को भी चुन सकता हूँ, लेकिन पहले नंबर पर मैं चुनूंगा तो मैं मुस्लिम राजपूत भाइयों को चुनूंगा। मेरे सामने और कोई हिंदू जाति होगी और मुस्लिम राजपूत भाई होगा तो फिर मैं मुस्लिम राजपूत भाई को चुनूंगा। अभी मिहिर भोज का वो चल रहा है, पूरा मुस्लिम राजपूत समाज 50% भी नहीं, अभी तो 20% तक आया है, वो सामने खड़ा हो गया है। उनके अंदर वो है कि राजपूत को बोला जा रहा है, क्योंकि बीजेपी आरएसएस दोनों धर्म के जो एक समाज के लोगों को इकट्ठा कर रही है तो उनको नहीं पीड़ होगी, वो भी तो राजपूत ही हैं, रांगड़ राजपूत हैं, उन्होंने वेस्ट यूपी पर राज किया, वेस्ट यूपी पंजाब में जो क्षत्रिय थे उनका इतना राज ही नहीं था, ये तो लैंडलॉर्ड सभी ये रांगड़ राजपूत थे, मुस्लिम राजपूत भाई थे। वो बेशक 1947 में दूसरे देश चले गए लेकिन वेस्ट यूपी वाले अभी भी बचे हुए हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली, इसके बाद गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, ये दिल्ली तक पूरे रीजन तक फैले हुए हैं जे राजपूत भाई हैं हमारे मुस्लिम राजपूत भाई। तो ये अपने आप में हमारे क्षत्रियों से भी ज़्यादा दबंग है, ये इन पर कोई डरते हैं सभी लोग। और जो दूसरी जाति के लोग जो वो कर रहे हैं उनकी 10-12 लाख आबादी है पूरे वेस्ट यूपी में, इनकी अकेले 25 लाख है, और हमारा जो क्षत्रिय समाज है उनकी तो बेशक 2.5 करोड़ आबादी है पूरे पूरे टोटल मिला के दोनों धर्मों की, लेकिन तकलीफ ये। और इसने ये भी लिखा है कि हम सभी समारोह में जाते रहे, हम हर जगह राजपूत समाज के साथ खड़े रहे, और जब भी चुनाव का टाइम पे कोई सामाजिक मुद्दा हो हम जाते रहे, काम होने के बाद हमें कटवे हो जाते हैं, मुल्ले हो जाते हैं, लेकिन हमारे संगठन में। तो मैं इस मुस्लिम राजपूत भाई को बोल रहा जाता हूँ कि जे 2-3 साल पहले चलता था, जे हमें भड़काया जाता था, जो हमारा सो कॉल्ड जो भी कहते हैं उनके लोगों द्वारा हमें भड़काया जाता था, जहाँ कोई दूसरी कास्ट का बंदा आके भड़का देता था, वो बोलता था कि तुम वो हो। अभी जो क्षत्रिय समाज है 90% सुधर चुका है, और जो 10% है वो इस चैनल से तो भाग ही जाएं, जहाँ पर तो पूरी ज़िंदगी जब तक मेरी जान रहेगी मैं मुस्लिम राजपूतों की बात करता रहूँगा। मैं क्षत्रिय हूँ, सिंह हूँ, लेकिन मेरी जान जब तक रहेगी मैं उनकी बात करूँगा। हमेशा उन्होंने साथ दिया हमारा। मुजफ्फरनगर एमपी जब बनना था तब चौधरी चरण सिंह को हराने वाले, कशवाहा क्षत्रिय सिंह को जिताने वाले ये हमारे भाई थे। वो देवबंद जहां सहारनपुर से बृजेश सिंह जीतते हैं, हमारे मुस्लिम राजपूत भाई उनको जिताकर भेजते थे, लेकिन हमारे तरफ भी जो हमारा धर्म क्षत्रिय धर्म है, हमने भी लग धर्म बना लिया, उन्होंने भी लग, हम किसकी घर वापसी कराने, घर वापसी तुम करो ना, तुम क्षत्रिय धर्म में करो ना, जो बोलते हैं किसी को नहीं करनी, आप मुस्लिम राजपूत भाई हो किसी भी धर्म में हो, हम क्षत्रिय धर्म में आ चुके हैं, आपका खून भी एक है, हमारा खून भी एक है, जो हमें करते थे वो अब हो चुका है। अब पूरा समाज जितना भी है सहारनपुर का, चाहे वेस्ट यूपी का, राजपूत लैंड है, इतिहास पर काम करें, हमारा खून एक है, वो भी राजपूत है, हम भी राजपूत हैं, एक हैं हम, आपने भी राज किया है, आपने दुल्ला भट्टी को जन्म दिया जिन्होंने मुगलों की तख्ती पलट कर रख दी। ये है कि आप सभी समर्थन करें, हम बाकी जो क्षत्रिय हैं उनको बोलना चाहता हूँ कि अभी कोई भी जाति तुम्हारे साथ खड़ी नहीं हुई, कोई भी जाति नहीं खड़ी हुई, डायरेक्ट किसी ने कोई भी नहीं आता सामने कि मिहिर भोज राजपूत है, बताओ कोई आया तो, 1-2-4 लोग बोल देंगे कोई आया, पूरी जाति आई, कोई भी जाति बता दो जिसको तुम अपना वो भी मानते हो, वो भी बता दो कोई आया उनके समर्थन में, कोई नहीं आया। जे मुस्लिम राजपूत भाई हमारे आ रहे हैं तो हमारे लिए पहले जे हमारे भाई हैं, जो वो है हमारे खून है, जे पानी से हमने क्या लेना, पानी बाहर मिलता है वो बाहर ही रहता है, और खून जो होता है वो अंदर होता है, हमारे पूर्वजों का खून हमारे में चल रहा है और हमारे पूर्वजों का खून ही उनमें चल रहा है,
हमने भी कोई और धर्म बना लिया, हमारा धर्म क्षत्रिय था, उन्होंने भी अपना लिया, सिख राजपूत हैं उन्होंने भी कर लिया, लेकिन हमारा जो जाति है वो कभी नहीं बदलती। मेरा जो पुराना गांव है एक ही गोत्र के दोनों राजपूत रहते थे। इस इतिहास को जाने और फिर अपने भाइयों पर, हमारा धर्म क्षत्रिय धर्म है। आजकल हर चीज़ में जातिवाद हो रहा है और हम भी अपने धर्म को लेकर चलेंगे और अपने भाइयों को हमेशा समर्थन देंगे। अगर इन पर कोई बात आएगी तो पूरा राजपूताना समाज इनके साथ खड़ा है। और मिहिर भोज का कोई इतिहास चुराएगा तो इनको पीड़ा नहीं होगी क्या? इनमें भी इनको पीड़ा नहीं होगी? इनमें चौहान भी हैं, पुंडीर भी हैं, कोई पृथ्वीराज चौहान का इतिहास चुराएगा? तो आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि क्षत्रिय समाज की तरफ से जो भी गलती अगर हुई होगी तो हम माफ़ी मांगते हैं आपसे, और आप समाज के लिए आगे आओ। आप हमारे भाई हो, आप हमारे बड़े भाई हो। जो सिसोदिया राजपूतों की जो 1684 में जो बड़ी पग है वो देहरा में है, जहाँ पर सिसोदिया सबसे पहले आए थे। गढ़ोद बड़ी पग उनके पास है। जेवर में जो बाटी राजपूतों की बड़ी पग मुस्लिम बाटी राजपूतों के पास है। उनके गांव में शादी नहीं होती जब तक उनके पास नहीं जाओ। ये तो लोग दोनों धर्म के, आपके धर्म के भी लोग भी हमें भड़काते हैं। ये 1-4% होते हैं, उनके कहने से आपका जो समाज है वो जागरूक हो चुका है। पूरा क्षत्रिय समाज मुस्लिम राजपूताना के साथ है और हमेशा रहेगा जब तक जान रहेगी। और हमारे जैसे 90% भाई जाग चुके हैं। जितने भी भाई जो सुन रहे हैं, वीडियो सुन रहे हैं, वो सभी अभी ही कसम खाओ और कमेंट में बोलो कि हम पूरी ज़िंदगी मुस्लिम राजपूत भाइयों पर कभी टिप्पणी नहीं करेंगे, वो हमारे हमेशा ही भाई रहेंगे। कसम खाओ मिहिर भोज के लिए कोई हमारे लिए आगे नहीं आया। जे हमारे भाई हैं, इन पर कोई बात आएगी सबसे पहले हम आगे आएंगे। कसम खाओ कि इनके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। धर्म का चलता रहेगा अपना सिलसिला, ये तो पूरी ज़िंदगी चलना है, लेकिन जे हमारे खूनी भाई पूरी ज़िंदगी रहेंगे, हमारे भाई रहेंगे।